एक ड्रोन, ठीक है। पहले अपने ड्रोन को ओपन कर लेना। ये हमारे पास का हो है, मतलब जो इसके प्रॉपलर है उसको सेफ गार्ड करने के लिए, ठीक है। इसको अपने ऐसे खोल लेना। और तीन बैटरीज मिलती हैं इसके साथ, वैसे एक बैटरी मिलती है, पर अगर आप पैकेज लोगे तो तीन बैटरीज भी मिलेगी। और एक बैटरी का टाइम 30 से 40 मिनट के करीब पड़ता है। तो ऐसे बैटरी इसके अंदर इंसर्ट करके अपने साइड पर रख दें, ठीक है। ये आपका है कंट्रोलर, कंट्रोलर के नीचे आपको ये चीज़ें मिलती हैं। इसको आपने निकाल के इस पर ऐसे स्क्रू टाइट कर लेना, ठीक है। ये हो गया इसका स्क्रू टाइट। और आपने इसमें लगाना है अपना फ़ोन, ठीक है। ये मेरा फ़ोन है, तो मैं अपना फ़ोन इसमें ऐसे अटैच कर दिया, ठीक है। सिंगल प्रेस और लॉन्ग प्रेस, इससे ही ऑन हो जाता है। फिर ये इसकी केबल है, ये केबल है C2C टाइप, ये लगेगी इसके पीछे, ठीक है। और एक लगेगी आपके फ़ोन में लगने के बाद आपने खोलना है DJI ऐप, ठीक है। ये ऐप में लग गया। अब हम इसको उड़ा के देखेंगे। तो अपने ड्रोन पे सिंगल प्रेस और लॉन्ग प्रेस, ये हो गया आपका ये वाला ड्रोन ऑन। अब मैं आपको उड़ा के दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें दिखाओ, ऐप में आओ, ऐप में भैया, कंट्रोलर दिखाना है, ठीक है। ये जैसे कनेक्ट होगा आपका ऑटोमेटिकली ड्रोन इस पर कनेक्ट हो जाएगा और ये आपके पास ऐप आ जाएगी। जैसे मेरा है Mini 3 Pro, ठीक है। तो आपने इन दो एरो को डाउनवर्ड पे करना है। अब ये देखिए, आप ऑन हो गया नीचे, ये ड्रोन ऑन हो गया। अब ये देखिए कंट्रोलर में, इस चीज़ से ये ऊपर जाएगा और इसको नीचे करेंगे तो नीचे आएगा, इससे आगे पीछे। इसको मैं ऊपर करूँगा, पीछे हो जाओ, पीछे होके इसमें जूम करो। और इसको ऊपर करने से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। और इसको नीचे करने से ये ड्रोन नीचे आता है, ठीक है। और अगर आप इसे लेफ्ट हैंड साइड पे घुमाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और राइट क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। और अगर आप इसे थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे और इस वाले बटन से आगे जाएगा, वो चला गया दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, वो आगे चला गया। अब मैं इसको बैक करूंगा तो ये पीछे आ जाएगा। अब उसके ऊपर दिखाओ सर, अभी पीछे आ रहा है दोस्तों। और इसको अगर मैं नीचे करूंगा तो नीचे आ रहा है, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें आपने खुद एडजस्ट करनी है इसके अंदर। तो दोस्तों इसका ना होम पॉइंट अपडेटेड हो जाता है, जहाँ से आप उड़ाते हो ना वहाँ पे इसका होम पॉइंट कोऑर्डिनेट अपडेट हो जाता है। अगर आपका ड्रोन कहीं खो भी गया ना, तो आप यहाँ पे इसमें ऑप्शन है होम पॉइंट रिटर्न का, जैसे आप उसको करोगे तो जहाँ से आपने उड़ाया है ड्रोन आपका ऑटोमेटिकली वहीं का वहीं आ जाता है। पर आपको ना ड्रोन को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी स्क्रीन पे ध्यान देना है, क्योंकि इसकी स्क्रीन में आपको सारे कैमराज के जो एंगल्स हैं वो दिखते रहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर दो मॉड होते हैं, एक तो या तो लैंडस्केप में बना सकते हो या पोर्ट्रेट में बना सकते हो। वो आपके पास एप्लीकेशन में ऑप्शन होता है, वहाँ से आप चेंज करके इसको पोर्ट्रेट मोड में भी ला सकते हो। और बाकी ये ज़्यादा सिंपल है। तो अगर आगे आपको कहीं लगता है कि ये तारों में या उसमें ऑब्स्टेकल में टकरा जाएगा, ये कहीं नहीं टकराएगा, ये ऑटोमेटिकली अवॉइडेंस करके खुद ब खुद बच जाता है। अब जैसे हम इसे नीचे निकल रहे हैं तो ये ऑब्स्टेकल में ऑटोमेटिकली फंस जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे पंगा जाएगा। यहाँ पे हमें ऐप में नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपके पास ऑब्स्टेकल है सामने, तो ऑब्स्टेकल से हमें कोई दिक्कत नहीं है कि कहीं फंसेगा नहीं है, इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ये जा रहा है, खुद ब खुद जा रहा है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, उड़ाने से रिलेटेड वो हम आपके सॉल्व कर देंगे। और इसको लैंड करना भी बहुत आसान है, मैं आपको लैंड करने का तरीका दिखाता हूँ। अगर आपको इसको अपने हाथ में लेंगे ना नॉर्मल, आप इसको पकड़ के उल्टा करेंगे दोस्तों, ड्रोन बंद। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है DJI से रिलेटेड Mini 3 Pro से, अगर आपको उड़ाने में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि उड़ाना बहुत आसान है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।